स्वागत है इस परिसंवाद में। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है मंचस्थ महानुभावों का परिचय देने की, और वो भी संक्षेप में, जो कि लगभग असंभव जैसा कार्य है। फिर भी शुरू करते हैं। आज के हमारे उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष है अशोक भाई शाह। डॉक्टर अशोक भाई शाह एमएससी पीएचडी माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने किया है। विभिन्न देशों जर्मनी, इटली, यूके, यूएसए वगैरह से उन्होंने इस विषय में ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्लांट्स, इस सभी के बारे में सभी क्षेत्रों में वो कंसल्टेंट भी है। इन विषयों पर आपकी कुछ पुस्तकें भी हैं गुजराती में, और इन्हीं विषयों पर बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज भी उन्होंने आज तक दी हुई है। जीवीएफएल, जीएनएफसी वगैरह बहुत संस्थाओं में डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर अशोक भाई शाह का स्वागत करेंगे श्री भरत भाई ठाकर, जो कि भारतीय विचार मंच सूरत के उपाध्यक्ष है। आज के हमारे जो कार्यक्रम के चीफ गेस्ट है, अतिथि विशेष है, श्री राजकुमार गटाणी। आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आसाम में भी रह चुके हैं, और वर्तमान में इनका टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का सूरत में बिजनेस है। आप महेश्वरी विद्यापीठ सूरत के ट्रस्टी हैं और महेश्वरी संस्थान के मेंबर भी हैं। आपका स्वागत करेंगे भारतीय विचार मंच के कार्यकर्ता किशोर सिंह जी माटेड़ा। अब थोड़ा आगे जाते हैं। हमारे जो तीन वक्ता हैं आज के, तीनों वक्ता इस विषय के तज्ञ तो है ही है, लेकिन इन्होंने इस विषय को आत्मसात किया है। उन्होंने अपना जीवन इसी फिलॉसफी पर बिताया है। हमारे जो प्रथम वक्ता है माननीय इंदुमती बहन गाटदरे, आपने इंग्लिश और संस्कृत दोनों विषय से, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, एमए किया है, पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग भी किया है। लगभग 15 साल तक आप एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते रहे, साथ ही साथ में विद्या भारती के भी कार्यकर्ता रहे हैं। उसके बाद 1987 से आप पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहे, विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न भूमिकाएं आपने अदा की, विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। लिस्ट इतना लंबा है कि पूरा मैं नहीं सुना पाऊंगी। पुनरुत्थान ट्रस्ट के आप फाउंडर हैं, वर्तमान में आप पुनरुत्थान ट्रस्ट के मंत्री भी हैं और पुनरुत्थान विद्यापीठ के संयोजक भी हैं। आपके जो विभिन्न कार्य है उसमें लेखन, अनुवाद, संपादन और संशोधन शामिल है। निवास कर्णावती में है और कार्य क्षेत्र इनका पूरा भारत है। बहुत सारे पुस्तकें, आहार शास्त्र, गृह शास्त्र, अधिजनन शास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहस्थियों का समाज धर्म नामक ग्रंथों का इन्होंने संकलन किया है। सांस्कृतिक वाचन माला के स्वरूप में 100 विषयों पर 100 पुस्तिकाएं भी लिखी है, जो कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। माननीय इंदुमती बहन का स्वागत करेंगे डिंपल बहन सुरती, जो कि भारत विचार मंच के कार्यकर्ता है। आज के हमारे और एक वक्ता अनिरुद्ध जी देशपांडे जी है। आप बृहत महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स पुणे के प्रिंसिपल रह चुके हैं,
महाराष्ट्र सरकार ने आपको श्रेष्ठ प्रिंसिपल के अवार्ड से सम्मानित किया है। यूजीसी के द्वारा मींस यूजीसी के थ्रू आप नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। मेक्सिको में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस रही थी, उसमें भी आप उपस्थित थे। इसके अलावा सोशल इकोनॉमिक्स और एजुकेशन के क्षेत्र में कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपके पेपर्स, कीनोट लेक्चर्स वगैरह रह चुके हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करते थे और विभिन्न जिम्मेदारियां आपने निभाई है। एक विशेष परिचय है, आप इमरजेंसी के दौरान मीसा के बंदी भी 18 महीने तक जेल में रह चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आप अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं। एकात्म मानव दर्शन, इस विषय पर आपका खूब गहरा चिंतन है। श्री अनिरुद्ध जी देश पांडे जी का स्वागत करेंगे। संजय भाई, संजय भाई फिजिक्स के प्रोफेसर हैं नवयुग कॉलेज में और भारतीय विचार मंच के कार्यकर्ता हैं। हमारे आज के एक तीसरे वक्ता थोड़ी देरी से आने वाले हैं, उनका परिचय बाद में दे देंगे। अब बाकी रह गए अपने घर के लोग। कैलाश जी शर्मा व्यवसाय से इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, भारतीय विचार मंच के गुजरात प्रांत के अध्यक्ष है। और अशोक जी अग्रवाल व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और भारतीय विचार मंच सूरत महानगर के अध्यक्ष है। धन्यवाद निभाबेन। भारतीय विचार मंच गुजरात प्रांत ना अध्यक्ष श्री कैलाश जी आज ना परिसंवाद नी प्रस्तावना मुकशे। श्री कैलाश जी, भारतीय विचार मंच द्वारा आयोजित एकात्म मानव दर्शन के परिसंवाद में उपस्थित मंचस्थ एवं समुपस्थ सभी बंधु भगिनी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो एकात्म मानव दर्शन का विषय यह जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनकर प्रेरणा देने वाला विषय है, इसलिए हमेशा आधुनिक भारत में गीता की तरह इसका पठन हमेशा हो तो और अच्छा है। परंतु वर्तमान के संदर्भ में एक विशेष अवसर भी उपस्थित हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह विचार सबसे पहले 1964 में अपने सामने रखा। 1964 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ शिक्षा वर्गों में कार्यकर्ताओं के सम्मुख इस विषय का प्रथम प्रतिपादन हुआ। उसके पश्चात उनके ऊपर भारतीय जनसंघ के महामंत्री का दायित्व था, इसलिए भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय कार्यकर्ता वर्ग में इस विषय को 1965 में उन्होंने रखा और उसके आधार पर विचार विमर्श होकर भारतीय जनसंघ की रीति नीति का आधारभूत एजेंडा यह एकात्म मानव दर्शन बना। आज उस समय को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1965 से 1915 का काल, अनेक उतार चढ़ाव को देने के बाद आज हम उपस्थित हैं। इस 50 वर्ष की पूर्णाहुति के अवसर पर भी अपने संघ परिवार के विचारकों ने ऐसा निश्चित किया कि एकात्म मानव दर्शन को ठीक प्रकार से और अच्छी भली प्रकार से समाज के सामने रखा जाए, देश के सामने रखा जाए।
इसलिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से, कुछ नए प्रकल्पों के माध्यम से इस विचार को सही प्रकार से समाज में फैलाया जाए, उसी की कड़ी के रूप में आज की अपने परिसंवाद का कार्यक्रम है। एक और साथ में संयोग मिला है, माने दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष भी इसी वर्ष शुरू होने वाला है। 1916 में उनका जन्म हुआ, इसलिए 25 सितंबर 2016 से लेकर 2015 से लेकर 2016 तक यह वर्ष उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जाने वाला है। ये दोनों संयोग एक साथ उपस्थित हुए हैं, इसलिए एकात्म मानववाद को समझने और उसे और प्रस्तावित करने का यह सुअवसर हमारे सामने है। हम देखें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और एकात्म मानव दर्शन ये एक रूप हैं। दोनों इतने अंतरंग जुड़ा हुए हैं, विषय और व्यक्ति, उनको अलग करके देखना असंभव है। दीनदयाल जी का ठीक प्रकार से परिचय प्राप्त करना हो तो एकात्म मानव दर्शन को भी पढ़ना पड़ेगा, और यदि एकात्म मानव दर्शन को समझना हो तो पंडित दीनदयाल जी को पढ़ना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक और समन्वय है। किस प्रकार के व्यक्तित्व ने यह विचार दुनिया के सम्मुख रखा, इसका थोड़ा विचार करना आवश्यक होता है। इसलिए कुछ छोटी छोटी बातें दीनदयाल जी के जीवन की आपके सम्मुख उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगा, उसके बाद विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल जी का जन्म जिस समय हुआ, एक अत्यंत निम्न मध्यम वर्गीय परंतु संस्कारी परिवार में हुआ। बहुत ही सरल जीवन रहा हो, सुखमय जीवन रहा हो, ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। अत्यंत कठिन जीवन उन्होंने बाल्यकाल से, जन्म से ही जिया। 2.5 वर्ष की अवस्था में पिताजी का देहांत हो गया, 7 वर्ष की अवस्था में माता का देहांत हो गया। माता पिता की छत्र छाया एकदम बाल्यकाल में उनके सिर से उठ गई। नाना के पास से गए, वहां उनका पालन पोषण प्रारंभ हुआ, परंतु 9 वर्ष की अवस्था में ही नाना जी चल बसे। उसके बाद मामा, मामी, नानी, उन्होंने उनका पालन पोषण आगे किया, परंतु जिस मामी ने मातृत्व के वात्सल्य से उनका पालन पोषण जो कर रहे थे, उनका भी 15 वर्ष की अवस्था में ही देहांत हो गया। 18 वर्ष के हुए तो उनके छोटे भाई शिवदयाल जी का देहांत हो गया, अत्यंत तरुण अवस्था में। एक के बाद एक आघात उनके बाल्यकाल से ही उनके जीवन पर हुए, और फिर नाना नानी के परिवार में भी एकमात्र नानी बची थी जो उनकी देखभाल करती थी, परंतु 19 वर्ष से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था, सारी एकदम आघात से, एक से एक बड़े आघातों में उनका बचपन जीता। कोई भी सामान्य आदमी ऐसे आघातों को सहन नहीं कर सकता, टूटकर बिखर सकता है, परंतु दीनदयाल जी किस मिट्टी के थे पता नहीं। जैसे सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, इसी प्रकार इन सारे आघातों प्रत्याघातों को सहते हुए उनके जीवन में जो निखार आया, जो तेजस्विता आई, जो उनकी प्रतिभा का विकास हुआ, वह अवर्णनीय है, अलौकिक है। 9 वर्ष की अवस्था तक तो उनके पढ़ाई का, अध्ययन का प्रबंध ही नहीं हुआ था। 9 वर्ष के पश्चात उनका शिक्षण प्रारंभ हुआ, परंतु वहां से उनकी प्रतिभा का परिचय सबको मिलना प्रारंभ हुआ। और इसी बीच में पढ़ाई करते, इस अवस्था में आघात सहते सहते भी एक अनिकेत का जीवन उनको जीना पड़ा। जन्म से अपना स्थान छोड़ना पड़ा, नंगला चंद्रभान, नाना के घर गए, वहां से गुड़ की मड़ैया जाना पड़ा।
क्योंकि मामा भी रेलवे में सर्विस करते थे, जहां बदली होती थी वहां जाना पड़ता था। वहां से गंगापुर सिटी आना पड़ा, गंगापुर से कोटा आना पड़ा, कोटा से सीकर, सीकर से आगरा, कानपुर, कानपुर से आगरा। पढ़ते पढ़ते भी इतने स्थानों का भ्रमण उनको करते करते अध्ययन पूरा करना पड़ा। परंतु इस बीच में किस प्रकार की प्रतिभा उनको संसार को मिली, तो जिस समय सीकर में दसवीं की परीक्षा पास कर रहे थे, नौवीं दसवीं वहां से हुई, नौवीं कक्षा का विद्यार्थी दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाता था और दसवीं की परीक्षा में उनके जो परीक्षा फल प्राप्त हुआ, सारे बोर्ड में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहां के जो कल्याण सिंह जी, जिनके कॉलेज थी, महाराजा कल्याण सिंह ने उनको स्वर्ण पदक दिया, छात्रवृत्ति दी और नगद पुरस्कार भी दिया। इंटरमीडिएट पिलानी कॉलेज में करने के लिए गए, उस समय बहुत विख्यात थी पिलानी की कॉलेज। इंटरमीडिएट में भी इसी प्रकार का स्थान प्राप्त किया और इतना अच्छा कि वे केवल उस परीक्षा में सर्वप्रथम ही नहीं रहे तो प्रत्येक पेपर में सर्वप्रथम रहे। ऐसा पहली बार वहां के इतिहास में हुआ। मैंने सुना है कि वहां के उनके उत्तर भाइयों को अभी तक संजो कर रखा गया है। वहां भी घनश्यामदास जी बिरला ने उनको स्वर्ण पदक दिया, छात्रवृत्ति दी और पुरस्कार दिया। इतने सारे आघातों को सहने वाला विद्यार्थी, एक गरीब घर का विद्यार्थी किस प्रकार से इतनी प्रतिभा को संपन्न कर सकता है, दिखा सकता है। और इसी प्रकार बीए की पढ़ाई में कानपुर में, एमए की पढ़ाई में आगरा में उन्होंने प्रथम श्रेणी से सब कुछ प्राप्त किया। इसी बीच उनका लेखन भी प्रारंभ हो गया, संघ से संपर्क आया कानपुर में। धीरे 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 नानाजी देशमुख और अन्य कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर, माननीय भावराव जी के संपर्क में आकर, संघ का जो संस्कार उनको और साथ में मिल गया, एक दिशा जीवन की पकड़ी। और जो एक बाल्यकाल में एक अनिकेत विवशता के कारण से जीवन उनको जीना पड़ता था, वह उन्होंने संघ के प्रचारक के नाते एक स्थायी अनिकेत जीवन जीने का निश्चय किया। संघ का कार्य की अद्भुत क्षमता, उनमें संगठन कौशल्य, वाक चातुर्य, निर्मल स्वभाव, आत्मीयतापूर्ण उनका व्यवहार, इन सारे गुणों के कारण से सब जगह लोकप्रिय होते जाते थे। बाद में जब जनसंघ की स्थापना हुई, पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी को कुछ अच्छे सहयोगी की आवश्यकता हुई। पूजनीय गुरुजी से चर्चा के बाद जो कुछ प्रमुख कार्यकर्ता पूजनीय गुरुजी ने श्यामा प्रसाद जी को साथ में दिए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीनदयाल जी का था। और किस प्रकार से उनका जीवन राजनीति में जाने के बाद भी खिलता रहा और कैसा उन्होंने एक प्रेरणा सारे देश में जगाई, हम पढ़ेंगे तो सब मालूम पड़ेगा। राजनीति में जाने के बाद भी राजनीति की ये जो सर्वसाधारणतया जो कटुता, जो गंदगी है, जो मैलापन है, उससे अलिप्त चल कमलवत, इस प्रकार का उनका जीवन रहा। वे अपने आप को राजनीति में संस्कृति के राजदूत मानते थे। संशोधकों को भी सलाह देते थे कि राजनीति में ज्यादा रुचि लेना संघ के कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है। और ऐसा उन्होंने एक बार बोलते हुए कहा कि जैसे मैं भी नहीं लेता, उस समय वे जनसंघ के महामंत्री थे। तो बाद में संशोधकों ने पूछा, आप तो जनसंघ के महामंत्री हैं, राजनीति में लगे हुए, आप कैसे कहते हैं कि आप रुचि नहीं लेते उसमें, आप उसमें लिप्त नहीं है। उन्होंने कहा, देखो मैं जिम्मेवारी वश यहां उपस्थित हूं, राजनीति में हूं, मैंने अपनी वृत्ति राजनीति को नहीं बनाया है, उससे अलिप्त रहते हुए उसका काम मुझे राष्ट्रीय दृष्टि से काम करना है, वहां पर राष्ट्रहित के रूप में उसको एक साधन के रूप में मैंने अपनाया है। यही उनका जीवन भर का व्यवहार रहा। राजनीति में भी संस्कृति का फूट देना, संस्कृति को आधार बनाकर काम करना, यह उनकी विशेषता रही, यही नीति उन्होंने सबके सामने रखी। और इसलिए राष्ट्रीय विचार को आधार बनाकर काम करने के कारण से राजनीति के अनेक अवसरों पर उन्होंने अपनी राष्ट्रीय अखंडता का विषय अपनी आंखों के सम्मुख रखा।
उनकी कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई, परंतु एक बार चुनाव उनको लड़वाया गया और वहां की स्थिति ऐसी थी कि जातिगत समीकरण आवश्यक था, राजपूत ब्राह्मण इस प्रकार से, उन्होंने सबको नकारा, केवल राष्ट्रीय हित की बातें की और परिणाम भी यह मिला कि वो हार गए, परंतु अपनी राष्ट्रीय एकात्मता का आधार नहीं छोड़ा। और हारने के बाद जो घटना बनी वो और भी अच्छी अद्भुत हुई। उन्होंने एक सार्वजनिक सभा करके जीतने वाले प्रत्याशी को अभिनंदन दिया और उसे सब प्रकार का सहयोग करने का वचन दिया। ऐसी अनेक बातों में उन्होंने जो लोकतंत्र है उसको भी, उसका भी भारतीयकरण करने का प्रयास हमेशा किया और यह दिशा लोगों को दी। ऐसा जीवन जीते हुए अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक साप्ताहिक शुरू किए, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर, स्वदेश दैनिक प्रारंभ किया, उसमें काम किया, बहुत से काम किए, परंतु राजनीति के क्षेत्र में भी एक राष्ट्र नीति को सामने रखते हुए काम करके एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया। और इस कारण से न केवल जनसंघ, न केवल संघ का परिवार, परंतु सभी प्रकार की विचारधाराओं के लोगों के सम्मान के पात्र, श्रद्धा के पात्र वो बने। ऐसे व्यक्ति द्वारा एक युगानुकूल सनातन भारतीय चिंतन का प्रतिपादन इस एकात्म मानव दर्शन में हुआ है, उसके बारे में हम आज बहुत कुछ सुनने को मिलेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस विषय के बहुत ही मर्मज्ञ, न केवल अध्ययन करने वाले बल्कि उसके ऊपर प्रकाश डालने वाले, रिसर्च करने वाले, उसको अपने जीवन में जीने वाले ऐसे वक्ता आज हमको प्राप्त हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के बारे में स्वयं अपने मनोगत में क्या लिखा है वो पढ़ के मैं मेरी बात पूरी करता हूं। पंडित जी लिखते हैं, सिद्धांत और नीति का जो प्रलेख उन्होंने रखा जनसंघ के सामने, आज भारत के इतिहास में क्रांति लाने वाले दो पुरुषों की याद आती है। एक वह कि जब जगतगुरु शंकराचार्य सनातन बौद्धिक धर्म का संदेश लेकर देश में व्याप्त अनाचार समाप्त करने चले थे, और दूसरा वह कि जब अर्थशास्त्र धारणा का उत्तरदायित्व लेकर संघ राज्यों रिपब्लिक्स में बिखरी राष्ट्रीय शक्ति को संगठित कर साम्राज्य की स्थापना करने चाणक्य चले थे। आज इस प्रारूप को प्रस्तुत करते समय एकात्म मानव दर्शन को, वैसा ही तीसरा महत्वपूर्ण प्रसंग आया है, जबकि विदेशी धाराओं के प्रतिबिंब पर आधारित मानव संबंधित अधूरे व अपुष्ट विचारों के मुकाबले विशुद्ध भारतीय विचारों पर आधारित मानव कल्याण का संपूर्ण विचार एकात्म मानववाद के रूप में सुपुष्ट भारतीय दृष्टिकोण के नए सिरे से सूत्रबद्ध करने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। और इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय विचार परंपरा में शांकर वेदांत, कौटिल्य अर्थशास्त्र व स्वयं द्वारा प्रतिपादित निरूपित एकात्म मानववाद की एक नव प्रस्थान त्रय की स्थापना करते हैं। इस प्रकार का एक भगीरथ कार्य उन्होंने हमारे राष्ट्र के सामने, दुनिया के सामने किया। आज यह विषय जहां एक पूंजीवाद और साम्यवाद सब जगह असफल दिखाई देते जा रहे हैं, दुनिया के सामने फिर से एक नया विचार करने की आवश्यकता पड़ी है। ऐसे समय में पंडित जी द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन एक सही दिशा देने के लिए सामने उपस्थित है। उस पर आज न केवल भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व में विचार चर्चा चल रही है, उसकी ओर आने पर लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पर इसका ठीक प्रकार से सुनने के लिए, मनन करने के लिए, वार्तालाप के माध्यम से और अधिक गहराई में जाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। हमारे सभी विद्वान वक्ता लोग तो हमको सब कुछ बताएंगे ही, हम भी उतने ही प्रकार से गहरे पानी पैठिए, जिन खोजे तिन पाइया गहरे पानी पैठ, हम भी जितना उसमें अंदर उतरेंगे उतना ही लाभ प्राप्त करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। श्री इंदुमती बेन ने पोताना विचारों अभिव्यक्त करवा माटे विनंती। आज के इस परिसंवाद के उद्घाटन सत्र के अवसर पर
मेरे साथ मंच पर उपस्थित अध्यक्ष डॉक्टर अशोक भाई शाह, माननीय अनिरुद्ध जी देशपांडे, अतिथि विशेष तथा भारतीय विचार मंच के अधिकारीगण और सभागृह में उपस्थित जिज्ञासु, अभ्यासु एवं कार्येच्छु स्वजन बंधु भगिनी, बहुत ही मार्मिक प्रस्तावना से हमारे विचार का बहुत अच्छा प्रारंभ हो रहा है। मनुष्य अन्य प्राणियों से अपने विचार शक्ति के कारण, मनन शक्ति के कारण, जिज्ञासा के कारण अलग होता है, विशेष होता है। इसलिए मनुष्य की दुनिया विचारों के आधार पर चलती है। उसका मानस कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है, उसके अनुसार व्यक्तिगत जीवन की और सार्वजनिक जीवन की व्यवस्थाएं बनती है, उसके आधार पर रचना ही निर्माण होती है, उसके आधार पर उसका व्यवहार भी होता है। विश्व में आज दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रचलन है। अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से विचार जरूर करते हैं, परंतु मोटे मोटे रूप में अगर विभाजन करें तो दो मुख्य विचारधाराएं हमको दिखती हैं। इस मूल अंतर जो है दो विचारधाराओं में, वह एक है अनात्मवादी विचार और दूसरा है आत्मवादी विचार। अनात्मवादी विचार आत्म तत्व को मानता नहीं है, आत्मवादी विचार आत्म तत्व को मानता है, और एकात्म मानव दर्शन में आत्म तत्व यह शब्द मूल शब्द है। इसलिए हम इस आत्मवादी विचार का स्वरूप क्या होता है, उसकी रचनाएं कैसी होती है, उसके व्यवस्थाएं कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका विचार हम करेंगे। आज पूरे विश्व पर इस अनात्मवादी विचार का प्रभाव है और इसका परिणाम हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आज विश्व अनेक प्रकार के संकटों से ग्रस्त हो गया है। इन सारे संकटों को भी हम अगर थोड़ा सा वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो चार प्रकार के संकट हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला संकट है दारिद्र्य का, भूखमरी, माने कोट्यवधि लोग भूख से मर जाते हैं, भूखमरी, और फिर आए तो बेरोजगारी, लूटपाट, आर्थिक अनवस्था, दारिद्र्य। इस प्रकार का यह आर्थिक संकट का स्वरूप है, दारिद्र्य का स्वरूप है। अब ये जो संपूर्ण मनुष्य जाति का दारिद्र्य है वो स्वाभाविक नहीं है, प्रकृति दत्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि प्रकृति जिसको भी जन्म देती है उसके जीवन को चलाने के लिए जो जो भी आवश्यक बातें हैं वो भी साथ में निर्माण करती ही है। इसलिए प्रकृति, हम गुजराती में बोलते हैं, सामान्य लोग भी बोलते हैं, भगवान भूखा उठा बेचे, भूखा सुवा नहीं बेटो को ही, इसका अर्थ नहीं है कि प्रकृति के पास तो जिसको जिसको उसने जन्म दिया उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था है, परंतु मनुष्य के विपरीत विचार ने इस जगत में दारिद्र्य का, भूखमरी का, बेरोजगारी का, विपरीत बातों के बहुतायत का और आवश्यक बातों के अभावों का संकट निर्माण किया है। ये एक संकट है। दूसरा संकट है आत्यंतिक हिंसा। इस अनात्मवादी विचार के